वेलकम स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पल स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। मीन्स कोई भी आप जावा का प्रोग्राम बनाते हो तो उसका जो सैम्पल होगा, मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम पहले ये समझ लेते हैं कि जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ क्लासेस लिख सकते हो, राइट? नंबर ऑफ क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक क्लास होगा, उसके अंदर एक मेन मेथड भी अवेलेबल है। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको पता है कि C++ में भी ऐसा आता था भाई कि क्लास के अंदर देर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्लस नंबर ऑफ मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्लास के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है एंड उसका मेथड्स है। तो यहाँ पर उसको हम बोल सकते हो इट इज़ अ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स फॉर दैट। ओके, एंड यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, राइट, जो यहाँ पर जावा के अंदर रन होगा। और एक टेबल है इसके अंदर के स्ट्रक्चर ऑफ जावा के अंदर, जो पहला जो सेक्शन है वो यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम किसके लिए आप लिख रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जावा में आप लिख रहे हो प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के लिए, तो आपको लिखना है कि भाई दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू जावा। ओके, दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू जावा फॉर द हेलो वर्ल्ड। ओके, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो। सिमिलर वे, आप एरिया ऑफ सर्कल के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो यहाँ पर लिखना है कि भाई दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ द सर्कल। तो सामने वाले को पता चलेगा भाई ये प्रोग्राम जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल के लिए है। सेकंड जो है, पैकेज स्टेटमेंट लिखना है। पैकेज स्टेटमेंट किस लिए लिखना है, पैकेज मीन्स व्हाट, तो एक स्मॉल प्रोग्राम्स है कि एक प्रोग्राम आपने बनाया हुआ आप दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने वो पैकेज लिखा है। नेक्स्ट जो है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स है। इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स किस लिए है, तो वो इम्पोर्ट करने के लिए है, राइट? कोई भी चीज़ आपको इम्पोर्ट करनी है, कोई भी नेम स्पेस आपको यूज़ करना है, तो आपको वहाँ पर इम्पोर्ट लिखना है। इम्पोर्ट करके आपको वो फाइल का नेम लिख देना है। उसके बाद में इंटरफेस है। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कंसेप्ट है कि इंटरफेस अगर आपने कुछ बनाया है, मीन्स ये प्रोग्राम ही है वन टाइप ऑफ, राइट, वो आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई यहाँ पर ये आपने इंटरफेस यूज़ किया है। नेक्स्ट जो है वो क्लास डेफिनेशंस है। क्लास डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्लास आप बनाते हो तो उसके अंदर आप उसका कोडिंग लिखते हो, राइट? तो ये क्लास डेफिनेशंस है। एंड जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, इट इज़ अ मेन मेथड ऑफ द जावा। तो मेन मेथड आपको कंपलसरी लिखना है, दैट मीन्स इसके अंदर आपने मेन मेथड का कोडिंग लिखा है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कोई भी आप प्रोग्राम किसके रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, राइट? मीन्स कैसे मेंशन कर सकते हो कि ये प्रोग्राम किसने बनाया है, किसके रिलेटेड है, राइट, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सिमिलर वे आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो, स्लेस स्टार स्टार स्लेस, मीन्स इट इज़ अ कॉमेंट, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, राइट, मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, उसके बाद में पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट किस लिए है कि कोई भी पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है, आपका कोडिंग अवेलेबल है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज़, लाइक एग्जांपल पैकेज स्टूडेंट, तो यूज़ कर सकते हो। सिमिलर वे इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स। इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स किस लिए है कि जैसे हैज़ इंक्लूड आप लिखते हो सी लैंग्वेज के अंदर, सिमिलर वे यहाँ पर इम्पोर्ट लिखना है कि कोई भी नेम स्पेस आपको यूज़ करना है एंड वो नेम स्पेस के अंदर कोई क्लास आपको यूज़ करना है। तो एग्जांपल है इम्पोर्ट स्टूडेंट डॉट टेस्ट, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो इंटरफेस जो है वो लाइक एज ए क्लास आपको यूज़ करना है, राइट, नंबर ऑफ मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है, डायरेक्टली यू कैन यूज़। सिमिलर वे क्लास डेफिनेशन है। तो क्लास डेफिनेशन क्या है, तो क्लास डेफिनेशन के अंदर आपको कोडिंग लिखना है उसके रिलेटेड, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए जो जावा रिलेटेड है, राइट, ऑब्जेक्ट्स हो गए जो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में आप यूज़ कर रहे हो। ओके, एंड जो लास्ट है वो इट इज़ ए मेन मेथड है, क्लास का मेन मेथड है।
ओके, तो मेन मेथड के अंदर आप नंबर ऑफ कोडिंग स्टेटमेंट लिखते हो, ओके इसके अंदर। तो ये जो टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम है, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इट इज़ अवर सेकंड टॉपिक, ओके। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेट मीन्स POP एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेट मीन्स OOP, ओके। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है कि इट इज़ नॉट गिवन टू डेटा बट इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शंस एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस। उसके ऑपोजिट में है OOP के अंदर कि इट इज़ इम्पोर्टेंस गिवन टू द डेटा रेदर देन द प्रोसीजर और फंक्शन। यहाँ पर डेटा के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है OOP के अंदर, ओके। POP जो है इट इज़ ए टॉप डाउन अप्रोच, मीन्स प्रोग्राम के अंदर जैसे सी लैंग्वेज है वो POP है तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, OOP है वो बॉटम अप अप्रोच है, मीन्स कोई भी जगह पर आप कोडिंग यूज़ कर सकते हो, कहीं से पर आप क्लास को कॉल कर सकते हो बेसिकली, राइट। तो इट इज़ ए बॉटम अप अप्रोच। POP के अंदर जो नेक्स्ट है वो लार्ज प्रोग्राम्स यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो वो डिवाइड हो रहे हैं स्मॉलर प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ पर आप उसे फंक्शंस बोलते हो। बल्कि OOP के अंदर जो लार्ज प्रोग्राम्स है वो डिवाइडेड हो रहा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर दो। दूसरा एक डिफरेंस है POP के अंदर कि कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, OOP के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। तो एक्सेस स्पेसिफायर किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी डेटा को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो POP के अंदर ऐसी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते आप, बट OOP के अंदर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो यूजिंग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज़ करके, ओके। सेकंड जो है POP के अंदर कि आप ग्लोबल डेटा यूज़ करते हो फॉर द शेयरिंग पर्पस, मीन्स इजीली यू कैन यूज़, राइट। मीन्स कोई भी सिस्टम के अंदर आप उसे यूज़ करते हो। OOP के अंदर क्या है कि डायरेक्टली यू कैन नॉट इजीली यूज़, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर पब्लिक भी हो सकता है डेटा, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप इजीली यू कैन नॉट एक्सेस, मीन्स मूव भी नहीं हो सकता। सिमिलर वे यहाँ जो डेटा एंड फंक्शंस आपको ऐड करना है POP के अंदर वो डिफ़िकल्ट है, राइट। बल्कि OOP के अंदर आपको कोई भी डेटा ऐड करना है तो वो इजी है, मीन सिंपली यू कैन ऐड, ओके। POP के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोई भी कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है, मीन्स इनहेरिटेंस अवेलेबल नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, डेटा नहीं है, एनकैप्सुलेशन नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, दे ऑल आर द मिसिंग इन POP। बट उसके ऑपोजिट है OOP के अंदर यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अवेलेबल है, ओके। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल है, डेटा एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शंस है, एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल है, राइट। POP के अंदर जो उसका एग्जांपल है सी लैंग्वेज है, फोरट्रान मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज अवेलेबल है, पास्कल लैंग्वेज अवेलेबल है, तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ POP, ओके। एंड OOP के जो एग्जाम्पल है वो C++ है, जावा है, C# है, राइट। ये दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ OOP। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया सैम्पल स्ट्रक्चर ऑफ द जावा, मीन्स जावा का कौन सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, राइट। एंड सेकंड जो टॉपिक डिस्कस किया कि व्हाट डू मीन बाय POP एंड OOP। POP मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दे ऑल आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट, रिलेटेड टू योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको पता ही होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है जावा का, व्हाट डू मीन बाय POP एंड व्हाट डू मीन बाय OOP, ओके। तो यहाँ पर रखते हैं हम आज के लिए ये वीडियो के लिए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOP के साथ में, ओके। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।